और प्यार जरूरी है लाइफ में, बगैर प्यार के जिंदगी रुकी है। हाँ, बट अगर मैरिज में या कोई रिलेशनशिप में आपको अगर दुख है तो वो रिलेशनशिप बाहर निकल जाना चाहिए। सर, क्या सिंगल लाइफ बेहतर है कोई गलत इंसान के साथ रहने से? 100%, 100%। बट आपकी जो सेक्स की नीड है, आपकी जो लोनलीनेस नीड है, उसके लिए आपको दोस्ती तो करनी पड़ेगी। मैरिज अलग चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है। आपको कोई दोस्त तो चाहिए, क्योंकि आप कई बार थक जाओगे काम करते करते, आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सक्सेस थोड़ी सी दूर रहती है और आप बीच में गिव अप कर देते हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कोई तो चाहिए दोस्त जिसका गोल एक जैसा हो। हाँ, बट अगर मैरिज में या कोई रिलेशनशिप में आपको अगर दुख है तो वो रिलेशनशिप बाहर निकल जाना चाहिए। मगर आप बताओ, आप सोचो, आप उससे क्यों नहीं बाहर निकल रही हो? आपको वो आदमी हमेशा ह्यूमिलेट करता है, इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, आपकी हंसी उड़ाता है, फिर भी आप उसमें क्यों रहना चाहती हो? कुछ तो मिल रहा है आपको, आपको कुछ तो होप है, और ये होप हमेशा होपलेस हो जाता है। अगर कोई रिलेशनशिप में दम नहीं है, आपको उसमें फ्यूचर दिख रहा नहीं है, तो जितनी जल्दी बाहर आओ उतना अच्छा है। और मैं नक्की बोलता हूँ, आपको इससे अच्छा मिलेगा, मगर आपको अपने आप पे ही डाउट है कि भाई ये तो मिल गया, अभी ये चला जाएगा, दूसरा कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे, इंडिया का पॉपुलेशन कितना देखो, और उसमें 50% लड़के हैं, 50% लड़कियाँ हैं, तो क्या कारण आपको दूसरा नहीं मिलेगा? हाँ, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दोस्ती को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है, कोई भी लड़की को और कोई भी लड़के को कम से कम 10 लोगों से रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए किसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है। मगर आप लोग तो संस्कारी लड़कियाँ हों, इन्होंने 10 लड़के बोलते के साथ ही आप बोलती, अरे रे रे, तो बदनामी हो जाएगी, ये तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, आपको इतना फियर है। बड़ी राइट तरीका है कि 10 लोगों से दोस्ती करो और फिर डिसाइड करो किसके साथ आपका लंबा चलेगा, और वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और आपको मज़ा आएगा। और सिंगल रहने में, हाँ, अगर आपकी सेक्स की नीड मीट हो रही है तो सिंगल रहना भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नहीं तो कई टाइम वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपका टाइम मांगेगा और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको गिल्ट होएगा कि मैरिज की पार्टनरशिप में उसके लिए कुछ कर रही नहीं हूँ। जिसके भी लाइफ में बड़ा गोल होता है, मैं तो बोलूँगा उसको शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उतना टाइम कमती है, वो फैमिली को टाइम देना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, उतना टाइम कमती हो जाता है गोल पर काम करने के लिए। हाँ, बट दोनों का तरीका है। इम्पॉर्टेंट है अपने सपने पूरे करने के लिए कितना समय आप दे सकते हो, उसमें आपका फुलफिलमेंट है। और प्यार जरूरी है लाइफ में, बगैर प्यार के ज़िंदगी रुकी है। अभी जो लोग कुत्ते बिल्लियों से प्यार करते हैं उसको प्यार नहीं बोलता हूँ, कई लोग अपने गाड़ियों से प्यार करते हैं उसको प्यार नहीं बोलता हूँ, प्यार इंसान से होना चाहिए। मैं कंफर्टेबल हूँ कि आपको कोई लड़के से भी प्यार है, तो बट प्यार का एहसास होना जरूरी है किसी न किसी के लिए। जैसे माँ बाप को अपने आप से प्यार नहीं रहता, यानी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से प्यार नहीं रहता, मैं उनको बच्चों से प्यार रहता है, दोनों को। और मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा भी चलेगा। मगर लाइफ में कोई चाहिए जिसके लिए अपन मरने मिटने के लिए तैयार है, जिसकी सारी इच्छा पूरी करने की तैयार है, जिसकी सारी खुशी के आगे अपनी खुशी अपने को कमती लगती है, ऐसा कोई होना चाहिए। और अगर एक हो गया तो वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक से प्यार बहुत हो जाता है, अब वो दूसरे का देखना बंद कर लेते हैं, वो भी गलत है। ये प्यार आपको एक्सपांड करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको प्यार झाड़ों से, जानवरों से, सबसे होना चाहिए। प्यार का मतलब है उसका हम अच्छा चाहते हैं, प्यार का मतलब सेक्स नहीं होता। प्यार का मतलब है हम बहुत लोगों का अच्छा चाहते हैं, कि सबका अच्छा हो, और वो प्यार बोलते हैं उसको। अभी जब मैंने बोला कि प्यार एक्सपांड करना चाहिए, तो मैं बाजू वाले के साथ प्यार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी जो बीवी है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिलेटिव, आपके रिलेटिव, आपके ब्रदर के रिलेटिव, आपके सिस्टर्स के रिलेटिव, आपके नेबरहुड में, ये प्यार धीरे 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 सबसे होना चाहिए। और प्यार का मतलब सेक्स नहीं होता, प्यार का मतलब है दूसरे की खुशी। और मैं आपको बता दूँ, खुशी की चाबी प्यार में रहती है।
अगर लाइफ में खुश होना है तो आपको सबके साथ प्यार का एक्सपीरियंस करना है, अपनापन का एक्सपीरियंस करना है, कि दूसरे का दुख आपको लगना चाहिए, आपका दुख आपको लगना चाहिए, मैं क्या करूं कि दूसरे को दुख को कमती कर लूं, मैं क्या करूं कि दूसरों को काम आ सकूं। और हर आदमी जो अपने प्रॉब्लम से, अपने एम्बिशन से ऊपर उठता है, ऐसे लोग जब मरते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब मरते हो तो कितने को लगता है कि उनकी लाइफ में से कुछ हिस्सा कट गया, कितने लोग को आंखों में आंसू आते हैं। और ज़्यादातर लोग तो क्या होता है कि जब कोई मरता है तो लोग बोलते हैं धरती का बोझ कमती हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मरो और लोग सोचो धरती का बोझ कमती हो गया। ऐसा होना चाहिए कि उनको याद आवे कि आपने उनकी लाइफ में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे इंसान बनो।